तो जनाब शाम 5 बजे पार्टी में जाना है। पार्टी कैसी है, कौन सी है, कहाँ की है, कहाँ पर है, ये सब तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना ये है कि हम 2-3 काम करने हैं। पहला काम बूट साफ करने हैं, यार बहुत गंदे हैं। दूसरा काम कपड़े इस्त्री करने हैं। अब कपड़ों की वजह से ये कन्फर्म नहीं है कि हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो बात है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो बहरहाल पहले आप मुझे देखें या नज़ारे दिखाता हूँ आपको, नज़ारे देखें बाहर के। ये सफ़ेद पोश जो पूरी ज़मीन हुई हुई है, इसकी रीज़न सिर्फ एक है, वो है बर्फ़। क्योंकि केक में किर्गिस्तान में बर्फ़ बहुत पड़ती है भाई। टेम्परेचर माइनस में चल रहा है इस वक्त और बाहर बर्फ़बारी जैसा कि आप देख सकते हैं हो रही है। बर्फ़बारी भी इंजॉय करेंगे, पार्टी भी इंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ। कर रहे हैं हम तैयारी, क्या कर रहे हैं, बूट साफ़ कर रहे हैं और कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं। अभी हमने ये शराज साहब बैठे हैं कैमरे में, हाथ ला रही है कैमरे में क्योंकि आ चुके हैं। बूट वगैरह की सफाई कर रहे हैं, इतना कभी खुद की सफाई नहीं होती। तो हमें आज बिश्केक में 2 माह हो गए और अब हमारी वेलकम पार्टी की जा रही है इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान की तरफ से। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉयमेंट हो गया। इसकी तो गेम ही हो रहा है, इसने तो भाई हमारे साथ तो जाना नहीं है, इसने जाना है कुछ लोगों के साथ। तो चलो कोई नहीं, इंजॉय करे। बहरहाल हम फिलहाल हम भी इंजॉय कर रहे हैं इन बूटों के साथ। ये थोड़े मतलब धोने वगैरह हैं और पॉलिश वगैरह करने हैं। बाकी इसके बाद थोड़ी मूछें वगैरह तो है नहीं, दाढ़ी वगैरह भी नहीं है। तो जो जो है ये छोटी छोटी इसको भी उड़ा देना है और शिराज साहब का पूरा ख़त करवाना है। बाकी मौवा साहब हैं, मिलवाएंगे आपको उनसे भी। उन्होंने अपना अपना ख़त करवाना है और अमीर बास जो आया था अभी, मतलब वो भी दिखा देते हैं आपको आगे, उसने भी अपना ख़त वगैरह कुछ करवाना है। तो मिलते हैं बाद में, थोड़ा सा पॉलिश वगैरह कर लें। तो दो दोस्त अहबाब हमारे आए हुए हैं, पहले मैंने बताया था मोवज, दूसरा मीरवास। जरूरत तो है नहीं उसे जानने की इसको, लेकिन फिर भी देखें क्या कर रहे हैं यार। अमीरवास स्नैक्स खा रहे हैं, स्नैक्स इसको बर्गर कहते हैं, स्नैक्स होते हैं स्टार्टर, जैसे लेज हो गया, ये चीजें हो गई। तेरे मुझ बर्गर शेख साहब हैं और अवैध शेख साहब, सॉरी भाई, तो बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक हो गया, कैमरे में हाथ ला दें, अब आ रहे हैं कैमरे भाई, बहुत अच्छे भाई जान। ठीक हो गया, अब इन्होंने जाना है, पार्टी की तैयारी करनी है। पार्टी कब है कहाँ है बताते हैं आपको, रुक जो थोड़ा सा। अच्छा जी, तो जैसे मैंने बताया था आपको एक काम है, काम ये है कि भाई ये ब्रश है ये देकर आना है उसामा के कमरे में, उसामा को तो उसामा से मिलवा लेते हैं, उसामा कौन है कौन नहीं, थोड़ा वेट करें ना। तो जी उसामा के कमरे में आ गए हैं, उसामा को देने के लिए ब्रश। ओ फड़ी मार, ये तो कट कर, चलो भाई, होता है होता है होता है। अच्छा जी, ये अबू बकर मेरी चीसी दुल्हन है। ठीक हो गया, ये मुझे रात को बस बाद में बताऊंगा, सेंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर ये हमारे नाइटफॉल वाले भाई, ठीक है डॉक्टर साहब ये हम सब की पूरे हॉस्टल की जान, हमजा भाई जान, ठीक है। और ऊपर से देखें थोड़ा इसको, बिल्कुल फिटो, मजे में, बिल्कुल ठीक हो गया। ये सबा है मारो, सॉरी ये उसामा भाई है हमारे, तो बड़े अच्छे कह सकते हैं लेकिन है नहीं, कहते हैं लोग इनको बहुत अच्छे हैं लेकिन ये अच्छे हैं नहीं। ठीक हो गया, मैं तो जानता हूँ, मैं इसके साथ ही रहता हूँ। ठीक है, हमारे साथ एक और दोस्त है हमारे, हंजला भाई। हंजला भाई कैमरे में हाथ लाए यार, ठीक हो गया। हंजला एक और नामी शख्स मेरे जिंदगी में एक और भी है, वो उसकी भी फोटो कहीं ना कहीं मैं एडिट कर दूंगा, देख लेना आप उसको भी। कौमित राना पढ़ा जा रहा था, सब लोगों ने दिल पर हाथ रखा हुआ था, कौमित राना पढ़ रहे थे अदब के साथ, लेकिन भाई आपका खाने में मशहूर था। तो भाई यहाँ पर रशियन गर्ल्स ने लैला में लैला गाने पर डांस किया था, बहुत ही कमाल था। आपको गाना तो सुना नहीं सकते, सुने होगा आपने, कॉपीराइट लग जाएगा ना यार। अच्छा, रशियन गर्ल्स के बाद ऐसे टिकटॉकर बॉय डांस इनका भी बहुत खूब था और मज़ा भी करवाया था भाई ने। अच्छा, कुछ और लोग भी थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पर, तो सबकी परफॉर्मेंस मैं तरतीब से लगाता जाता हूँ आगे, वो भी चेक करें जरा।
अच्छा यहाँ पर जरा खान ने शहराज को बहुत ही प्यार से प्रपोज किया जो कि एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। अच्छा लास्ट में हमने टीचर्स के साथ सेल्फी वगैरह बनवाई और उसके बाद घर आ गए। इतने आसानी से नहीं आए थे बाहर, बर्फबारी बहुत ज़्यादा थी, टैक्सी हमें मिल नहीं रही थी, तो इसलिए व्लॉग नहीं बना सके। बाकी बाद में यहीं पर।